गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सेकंड चैप्टर का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम बेस के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करना चाहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आरहेनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस तक के डिस्कस कर रखे हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ आना चाहेंगे, स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस। जैसा इससे पहले मैंने स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड की बात कर रखी है, सेम तरीके से यहाँ पर हमारा डिस्कशन होगा। द बेसिस विच कम्प्लीटली आयनाइज टू गिव OH माइनस आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे मान लो NaOH को ले लो, अब ये NaOH वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो पूरा का पूरा देखिए सोडियम आयन दे देगा और हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा, मतलब इसमें कुछ भी इसका पार्ट अनआयनाइज नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर आप KOH को ले लीजिए तो भी देखिए पूरा का पूरा ये पोटेशियम आयन और OH माइनस आयन में चेंज हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसलिए 100% आयोनाइज हो जाएंगे, पूरा का पूरा कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। इसी के रेफरेंस में आगे हम लोग द बेसिस विच आयोनाइज टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन आर कॉल्ड वीक बेस। मतलब अगर कोई बेस ऐसा है जो वाटर में स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज हो रहा है, देखिए ओनली स्मॉल एक्सटेंट कम अमाउंट में आयोनाइज हो रहा है और OH माइनस आयन अपने को दे रहा है, तो इसको हम लोग वीक बेस का नाम देंगे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अब देखिए NH4OH, जहाँ पर हमें वीक की बात करनी है तो वहाँ पर देखो ऐसे हम लोग रिवर्सिबल साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अमोनियम आयन बनेगा, सही तरीका अपना यही है, और OH माइनस आयन बनेगा। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने केवल एक मतलब है कि जब हमारा बेस या एसिड वीकली आयोनाइज यानी वीक होंगे, कम आयोनाइज हो जाएंगे, उस केस में हम ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन का रिवर्सिबल एरो डायरेक्शन की एरो लगाते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसका आयनाइजेशन कम है। अगर 100% होगा तो मैं पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, तो यहाँ पर एरो लगाएंगे ऐसे एक ही डायरेक्शन वाली। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी बन रही है तो हम यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का यानी ये एरो लगाएंगे। ये एरो कहीं पर अगर लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है। ये तो इन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बातें रहीं। इसके आगे थोड़ा हम बढ़ना चाहेंगे, ये भी बड़ा कॉमन वर्ड अपना देखा जाए बहुत ज़्यादा काम का है, स्पेशली हमारे सामने। इसमें हम लोग डिस्कस ये करना चाह रहे हैं, इसमें बेसिस एंड एल्कलीज, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है एल्कली वर्ड, कई बार हम लोग सामने आता है, क्वेश्चन में भी आता है व्हाट इज़ एल्कली। ध्यान देना, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव OH माइनस आयन इन सोल्यूशन आर कॉल्ड एल्कली। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने बेस वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे और OH माइनस आयन देंगे, उन सब बेस को हम एल्कली वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, COOH होल ट्वाइस, ये सब देखिए वाटर सॉल्युबल हैं और वाटर में मिक्स होकर के OH माइनस आयन देते हैं, तो इन सब के लिए हम एल्कली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एल्कलीज इसका प्लूरल फॉर्म है और ALKALI एल्कली इसका सिंगुलर फॉर्म है। दिस मीन्स दैट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, मतलब क्या समझाना चाहते हैं, जितने भी एल्कलीज हैं, देखो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, जितने एल्कलीज हैं वो बेस जरूर हैं बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, लेकिन बाकी सब के सब बेस एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बेस है जो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में H प्लस आयन कोई नहीं दे रहा है, तो आप उसका नेचर अगर बेसिक है तो हम बेस तो नाम दे देंगे लेकिन एल्कली वर्ड यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए। तो हमारे कहने का मतलब यह, वन मास का क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और पूछा भी खूब जाता है कि व्हाट इज़ एल्कली, तो आप बता सकते हो सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, या यूँ कह सकते हैं द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव OH माइनस आयन इन सोल्यूशन आर नोन एज एल्कली। एग्जाम्पल में देखिए 3-4 एग्जाम्पल हैं, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल अपने दिमाग में आप रखिएगा इसको जरूर। अब इसके आगे थोड़ा मैं बढ़ना चाहूँगा, इसके आगे देखो यूजेज ऑफ बेस की तरफ मैं मूव करना चाहूँगा। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ और डिस्कस में करूँगा, यूजेज ऑफ एसिड को भी मैं इससे पहले वाले थोड़ा सा मैं टॉपिक को मैंने मिस किया है, तो यूजेज ऑफ एसिड और यूजेज ऑफ बेस दोनों एक साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे अगले वाले पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। एसिड का यूज़ ज़्यादातर देखिए इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिस्ट्री लैब में भी तुम लोग एसिड का यूज़ तो करते ही करते हैं। इसमें कुछ जो कॉमन एसिड हैं जिनको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे HCl है, यूज़ फॉर क्लीनिंग मेटेलिक आइटम एंड इन फूड, टेक्सटाइल, यहाँ पर डाइजेस्टिव इन टैनिंग,
टैनिंग एक प्रोसेस है जो लेदर के लिए स्पेशली यूज़ होती है एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इन सब में हम लोग HCL का यूज़ करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में इनका यूज़ है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बहुत ज़्यादा देखो होता है यहाँ पर, फर्टिलाइज़र फार्मेशन के लिए, केमिकल डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव, कार बैटरीज या जो घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इन सब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हमारे H2SO4 का है। यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। मतलब H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल का नाम देते हैं। आप लोग इसको इस तरह से समझने का प्रयास करना। नाइट्रिक एसिड का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, फर्टिलाइज़र बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाइज में, प्लास्टिक में, ड्रग्स में, इन सब में हमारे नाइट्रिक एसिड का एप्लीकेशन है। एसिटिक एसिड जो आप सबको पता है कि हम लोग घर में जो यूज्ड एज विनेगर, घर में देखो विनेगर यूज़ होता है इन कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेटिव, इसमें हमारी एसिटिक एसिड का स्पेशली यूज़ है। और बाकी देखो तमाम एसिड हैं जो नेचर अपने को दे रहा है, जो ऑर्गेनिक एसिड हैं हम लोग, जैसे नींबू के अंदर है, ऑरेंज में, आंवले में, ठीक है, टेमरिंड में, उन सबको हम लोग इनटेक करते हैं, वो हमारे लिए किसी किसी तरह से बेनिफिशियल हैं। तो इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये तो है ही, अपना कह सकते हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशन या हम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एसिड के यूज़ हैं। तो इसके आगे देखो हम लोग थोड़ा बेस की बात कर लेते हैं, बेस के यूज़ की बात कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेस के भी देखिए काफ़ी यूज़ हैं, इसमें हम लोग कुछ कॉमन बेस की बात करना चाहूँगा मैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH का यूज़ देखा जाए, यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोल रिफाइनिंग एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। लैब में भी हम लोग NaOH का काफ़ी यूज़ करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन अल्केलाइन बैटरीज एंड सॉफ्ट वाटर, यानी इस ऑफ सोप, सोप बनाने में देखें, हार्ड सोप बनाने के लिए हम लोग NaOH यूज़ करते हैं जो कि कपड़े धोने और इन सब के लिए यूज़ होता है। और सॉफ्ट सोप बनाने में हम लोग देखा जाए KOH का यूज़ करते हैं, जो हम लोग स्पेशली बाथिंग पर्पज़ के लिए और दूसरे कामों के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखा जाए, यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन द सॉयल, सॉयल के अंदर अगर एसिडिक नेचर आ चुका है तो भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काफ़ी यूज़ देखिए एंटासिड जैसा है, आप लोगों ने टेलीविज़न में ऐड भी देखा होगा डाइजीन और इन सब का, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेशली होता है जो कि स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करता है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से अपने को रिलीफ देता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखा जाए यहाँ पर स्पेशली ग्रीस, स्टेन, ये सब क्लाथ पर या किसी कह सकते हैं कि सरफेस पर हटाने के लिए। ज़्यादातर घर में देखो हम लोग कोलिन्स जो यूज़ करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही एक थोड़ा सा यानी मैं सकते 2-4% अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, और कुछ थोड़ा सा स्मेल के लिए कुछ और प्रोडक्ट उसके अंदर हम मिला देते हैं। इससे देखा जाए हम लोग अपने जैसे घर में टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इनकी स्क्रीन और इन सबको क्लीन करते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्पेशली ये यूज़ है। इसी तरह से आपने देखा होगा बेकिंग सोडा घर में खूब यूज़ होता है अपने किचन में, जो कि पोरस बनाने के लिए यूज़ होता है, वो भी एक बेसिक मटेरियल है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि बेस के भी एप्लीकेशन देखा जाए काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के आसपास हैं। जो हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सब में कोई न कोई अल्केलॉइड अवेलेबल होता है, यानी उनका नेचर बेसिक है। तो बेस के यूज़ को हम इतना सा ही डिस्कस करना चाहेंगे। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, इसमें थोड़ा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशन पार्ट की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। जैसा हम लोगों को पहले से पता है, न्यूट्रलाइजेशन जो स्पेशली एसिड और बेस को मिलाते हैं हम लोग, सॉल्ट और वाटर बनते हैं, जिसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी पर्सन अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो हम लोग उसको बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जैसे डाइजीन या इस तरह की चीज़ें देते हैं, जिससे कि उसका एक्सेस एसिड जो स्टमक के अंदर है वो न्यूट्रल हो जाता है और उसको रिलीफ मिलती है। अगर कोई पर्सन सपोज करो एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है तो उसको कोल्ड मिल्क यानी लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कोल्ड मिल्क जो है ये स्लाइटली अल्केलाइन होगा और वह स्टमक के अंदर जो HCl एक्सेस है उसको न्यूट्रल कर देगा। यहाँ पर देखा काफ़ी ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बीज हैं, आंट हैं,
इनकी जो इचटिंग होती है उसके अंदर फार्मिक एसिड होता है, और फार्मिक एसिड होने की वजह से अगर बाई चांस ये स्किन में देखा जाए अपनी बीज को से डंक मार दें तो फार्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। अब फार्मिक एसिड इंजेक्ट करने से देखा जाए अपने को पेन होता है, इरिटेशन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोप को रब यानी रब कर देते हैं। सोप एक बेसिक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़े बहुत अमाउंट में रहता है, जिससे कि फॉर्मिक एसिड न्यूट्रल हो जाएगी और अपने को रिलीफ मिलेगी। सॉयल देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाए और क्रॉप प्रोडक्शन के लायक न रहे तो उसमें फार्मर ज़्यादातर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ला करके देखो उसमें डाल देते हैं पाउडर फॉर्म में, या लाइम स्टोन ला करके डाल देते हैं जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल हो जाएगा फिर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल हो जाएगा। कभी कभी देखा जाए हम लोग यहाँ पर जो कुछ ऐसे पावर स्टेशन हैं जहाँ पर कोयले को जलाया जाता है, कोल को जला करके हम इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, तो ऐसे केस में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो सल्फ़र कोयले के अंदर होता है उसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड देखिए बहुत जो जो रिलीज़ होता है तो उससे एसिड रेन के चांसेस हैं। इसलिए ज़्यादातर केस में जो पावर स्टेशन होते हैं लाइम या लाइम स्टोन को यूज़ करते हैं जो कि एसिडिक गैस को ये न्यूट्रल कर देगी और चिमनी से भी जाने से पहले उसको न्यूट्रल कर देगी और एसिड रेन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। और आगे हम जा सकते हैं बेकिंग पाउडर, आपको सबको पता है कि ज़्यादातर केस में केक में हम लोग मिक्स करते हैं या जो चीज़ें पोरस बनानी होती हैं उनमें हम मिक्स करते हैं। बेकिंग सोडा स्पेशली देखा जाए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है और एक वीक एसिड का मिक्सचर होता है। जब इसको हम वाटर में मिलाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखा जाए ट्रैप्ड हो जाएगी जगह जगह और केक को या बाकी जो चीज़ जिसको हमें पोरस बनाना है उसको, यानी कह सकते हो कि पोरस बना देगी, उसको कह सकते हो कि उसमें पोर डेवलप हो जाएंगे। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड हैं, बुक में भी एप्लीकेशन दे रखा है, आप लोग एनसीईआरटी में भी अच्छी तरह से रीडिंग लगाना और इसको ध्यान से करना। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना, इसके आगे देखिए हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस, बड़ा कॉमन वर्ड है, बार बार हम लोगों के सामने यूज़ होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेस, क्या इसका मतलब है। नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज एच प्लस आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ध्यान देना थोड़ा टर्म अपोजिट आपको लगेगा लेकिन बेसिसिटी का मतलब सिंपली क्या है कि कोई भी एसिड अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो जितने एसिड एच प्लस आयन देगी वही नंबर उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिसिटी होगी। जैसे मान लो अगर हमने एच सी एल ले रखा है तो यहाँ पर देखिए एच प्लस एंड सी एल माइनस। अब चूंकि एच सी एल ने सिंगल एच प्लस दिया है तो यहाँ पर देखा जाए इसकी हम बेसिसिटी की बात करें, अगर हम कहें कि एच सी एल की बेसिसिटी क्या है तो देखिए वन आएगी क्योंकि इसने वन एच प्लस आयन लूज़ किया है। एच टू एसओ फोर को देखा जाए ये टू एच प्लस और एस ओ फोर माइनस माइनस देगी, मतलब यहाँ पर देखिए टू एच प्लस आ रहा है तो यहाँ पर जो बेसिसिटी इसकी निकल करके आएगी देखा जाए इसकी टू आएगी। एच थ्री पी ओ फोर में देखा जाए ये थ्री एच प्लस एंड पी ओ फोर ट्रिपल माइनस, तो यहाँ पर देखिए जो बेसिसिटी इसकी आएगी वो थ्री आएगी। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एसिड वाटर में डिजॉल्व करने के बाद कितने एच प्लस आयन रिलीज़ कर रहा है वही नंबर उस पर्टिकुलर एसिड के लिए बेसिसिटी हो जाएगी और आपको इसका ध्यान रखना। और लेकिन एक चीज़ ये एग्जांपल मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी डबल एच, इसमें ये जो तीन तीन हाइड्रोजन हैं ये रिप्लेसिबल नहीं है, केवल ये हाइड्रोजन रिप्लेसिबल है, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस बनेगा और एच प्लस, तो केवल ये वाला एच प्लस अलग होगा, ये तीनों के तीनों एच प्लस एसीटेट आयन के पार्ट हैं और यहीं पर इसी के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर अगर इसकी बेसिसिटी देखी जाए तो वन आएगी। आप लोग इन नंबर को देख करके फोर मत मान लेना, इसको हम लोग मोनो बेसिक एसिड का नाम देंगे, अगर मोनो सिंगल के लिए मोनो वर्ड आता है, दो के लिए डाई वर्ड आता है, तीन के लिए ट्राई वर्ड आता है, तो मोनो बेसिक एसिड है एच सी एल, डाई बेसिक एसिड है एच टू एस ओ फोर, ट्राई बेसिक एसिड है एच थ्री पी ओ फोर, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हम नाम देते हैं, और मोनो बेसिक एसिड है एसिटिक एसिड। तो ये तो रहा सिंपल सा एसिड के लिए बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ साथ हम लोग एसिडिटी या बेसिस मैनी बेस के लिए हम एसिडिटी वर्ड यूज़ करते हैं, क्या मतलब है
द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओ एच माइनस आयन प्रेजेंट इन अ बेस आर कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। अब मान लो इसे एन ए ओ एच हमने ले लिया है, अब एन ए ओ एच देखो एन ए प्लस और ओ एच माइनस देगा, तो सिंगल ओ एच माइनस अपने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए जो एसिडिटी यहाँ पर निकल करके आ जाएगी इसकी, ये वन आएगी क्योंकि वन ओ एच माइनस यहाँ रिप्लेस हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ बढ़ें तो सी ए ओ एच सी ए प्लस प्लस सी ओ एच होल ट्वाइस प्लस टू ओ एच माइनस। अब यहाँ पर देखो बेसिसिटी की बात की, एसिडिटी की बात की तो टू आएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम मूव करें तो ए एल्युमिनियम देखो थ्री प्लस आयन आएगा और थ्री ओ एच माइनस आयन आएगा। तो यहाँ पर हम एसिडिटी की बात करें तो थ्री आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए मोनो सिंगल, सिंगल के लिए मोनो वर्ड मैंने पहले ही बोल रखा है, तो मोनो एसिडिक बेस क्या है एन ओ एच क्योंकि सिंगल ओ एच माइनस दे रहा है। डाई एसिडिक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि दो ओ एच दे रहा है। ट्राई एसिडिक बेस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है क्योंकि थ्री ओ एच दे रहा है। ये तो एक सिंपल सा कॉमन पार्ट है जो एसिड और बेस के लिए हम एसिडिटी या बेसिसिटी के टर्म में मेंशन करते हैं। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। अगर वीडियो आपको देखने में एक बार कोई दिक्कत आए तो आप सेकेंड टाइम फिर से देखिए, लेकिन ये चीज़ अपने को आनी ही आनी चाहिए। अगले डिस्कशन की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पी एच स्केल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये बता दूँ आप लोगों के सामने कि पी एच स्केल को पूरे एक अलग वीडियो से हम डिस्कस कर, अलग वीडियो में लेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग इसको थोड़ा सा इससे पहले के टॉपिक को रिमेनिंग पार्ट को अच्छी तरह से करना, बहुत बड़ा वीडियो बनाने से भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप लोग वही करिए जो अच्छी तरह से हो सके। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ स्पेशली कि अपने इस सेकेंड चैप्टर का एसिड और बेस का पार्ट कंप्लीट है। पीएच स्केल को और इसके एप्लीकेशन को हम एक सिंगल वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जिसको हम सॉल्ट का नाम देंगे वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी आप लोग मंडे और ट्यूसडे दोनों वीडियो जो आपको दी जाएंगी उसमें आप लोग एसिड और बेस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की तरफ आप लोग मूव करना, पीएच को छोड़ करके। पीएच के लिए अलग से वीडियो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।